भारत रे रहिबा पई इच्छा जाहिर कले सीमा हैदर नागरिकता पई निवेदन करिसंती सीमा भारत रे स्थायी भाव रे रहिबा पई राष्ट्रपति को निवेदन करिसंती पाकिस्तानी झियो एने से एक मर्सी पिटीशन दायर करिसंती क्षमा आवेदन करिसंती सीमा हैदर मर्सी पिटीशन रे रहिछि सीमांक परिवार लोकंक फोटो जेउथरे सीमांक सह रहिछंती स्वामी सचिन एवं तीन पिला सीमांकु नै एबे देश रे चर्चा लागि रहिछि सीमा पाकिस्तान फेरि जिबा नै पई चर्चा हेउथबा बेले एबे से भारत रे रहिबा पई आउ पादे आगे सचिन मीना का मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच गया और मामला नागरिकता से जुड़ा हुआ है। देखिए ये फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए ये याचिका है फिलहाल एक नागरिकता को लेकर फिलहाल प्रेसिडेंट के सामने लगाया गया है। एपी सिंह साहब एडवोकेट है। सर सीमा का मामला अभी फिलहाल एटीएस कर रही थी सुनवाई, अब आप राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। हम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हमने ये कहा, इसमें आप देखेंगे याचिका में हमने कहा एटीएस इतने दिन कर रही है, लोगों को शक है क्या बात है क्या नहीं। कोई हनी ट्रैप कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई जासूस कहता है, कोई कहता चार बच्चे उसके नहीं है, कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी बोली। तरीका होता है किसी देश में जाकर दूसरे देश में रहने के लिए, उसमें सिटीजनशिप एक्ट है, फॉरेन एक्ट है, उसके तहत आना चाहिए। आप कहता है नेपाल से किसी से प्यार के संबंध में अगर अवैध तरीके से भारत में आएंगे तो कल को कोई भी आ जाएगा तो भारत की सुरक्षा क्या रहा। आप देश की सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ पत्रकार हैं, युद्ध में, राजनीति में और प्यार में सब कुछ जायज होता है, इतना तो माफ कर दो उसको। अरे उसे, उसने लैला मजनू पढ़ा, आपने भी गढ़ा, सीरी फरियाद, हीर रांझा को समझा, 2023 की सचिन और सीमा को बल लेने दो ना। अगर प्यार मिले तो स्वीकार कर लीजिए, आतंकवादी मिले सजा दे दीजिएगा। कौन मना कर रहा है, किसने कहा है? आज़ादी के 1948 के बाद से सिटीजनशिप एक्ट बना, उसके बाद से इस देश में हजारों लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से आए हैं, उन्होंने नागरिकता के लिए प्रोविजन के तहत अप्लाई किया और उन्हें नागरिकता मिली। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो आप कह रहे हैं कानून के तहत हमें दो, हम कहाँ कह रहे हैं मुझे डायरेक्ट मान लो बहू, बहू तो बहू पति मानेगा, निकल गई वो तो जासूस, दंडित करना आप, हमारी तरफ से एक धारा और लगा देना, एक आपकी तरफ से लगा देंगे, लेकिन अगर प्यार करने वाली निकली तो तोहफा देने जाओगे ना फिर हमारे साथ, बिल्कुल फिर चलेंगे। ठीक है, साफ तौर से सिंह साहब है इनकी तरफ से नागरिकता को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास फिलहाल ये मांग की गई है कि उस विषय में सोचे, लेकिन फिलहाल अभी मामला जांच का है, यूपी एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। गृह मंत्रालय की भी तरफ से इस मामले में बयान आया है कि उनकी नजर इस पूरे मामले पर है, सच क्या है ये नहीं पता, लेकिन मामला देश में महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। मामला बहुत दिलचस्प है, देखना भी होगा कि इसका अंत क्या होगा। सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। जेल जीबी पछे आ पाकिस्तान फेर भी नहीं, उत्तर प्रदेश एटीएस रा जरा परे मुह खोलिले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे कहिसंती जे कोनसी दंड भोगिबा को प्रस्तुत किंतु आ पाकिस्तान फेर भी नहीं, तांको विरोध रे जेउ सब अभिषेक आसीछि सब मिछ, तदंत परे सब किछि स्पष्ट होइजबो। उत्तर प्रदेश रा युवक सचिन को प्रेम रे उबुडुबु सीमा जाल पासपोर्ट रे नेपाल दे भारत आसीथिबा अभियोग होइछि, एपरिकी सचिन को सह तांकर विवाह कुने मध्य कोनसी प्रमाण मिली नाही। चारि पिलार मां सीमा नेपाल रो पशुपतिनाथ मंदिर रे सचिन को विवाह करितबा नै दाबी करूछन्ते, मात्र तांको पाखरे विवाह रो कोनसी प्रमाण पत्र नाही। सीमा कहिछन्ति तांको भारत आसीबा पई पासपोर्ट मिलु नथिला, सेति पई से पासपोर्ट रे ना बदलाइथिले, एहा तांकर भूल, सेहिपरि तांको पंजीकरण न करी से आउ एको भूल करिछन्ति बोली से कहिछन्ति। बेआईन भावरे भारत आसीथिबारु तांको पाकिस्तान पठाई देबाकु योजना करा जाउछे, या उपरे प्रतिक्रिया रखी सीमा कहिछन्ति से जेल जिबे पछे आउ पाकिस्तान फेरिबे नाही। तबे सीमा कहिछन्ति से जेल जिबे पछे पाकिस्तान फेरिबे नाही, चारि पिलांक सहित निज स्वामी सचिनक सहित से रहिबे बोली सीधासलख कहि दैछन्ति। उत्तर प्रदेश एटीएस रो जेरा परे पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर मुह खोलिछन्ति, न्यूज 18 को से एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दैछन्ति एवं प्रेम पई से कोनोसी दंड भोगिबा पई संपूर्ण प्रस्तुत बोली सीधासलख से कहिछन्ति। आ पाकिस्तान फेरिबे नाही,
दंड पाइबे पछे से भारत रे रहिबे सचिन निज स्वामी को सहित रहिबे तांको विरोध रे जेउ सब अभिजोग आसीछि सब भित्तिहीन सब मिछ बोली से कहिसंती तदंत करा जाउ एवं तदंत परे सब किछि स्पष्ट हेबो मिछ बोली साब्यस्त हो बोली कहिसंती। उत्तर प्रदेश रो युवक सचिन को प्रेम रे उबुडुबु सीमा जाल पासपोर्ट रे नेपाल देई भारत को आसीथबा अभिजोग होईछि एपर कि सचिन को सहित तांको विवाह को नै मध्य कोनोसी प्रमाणपत्र वर्तमान सुधा मिली पारि नाही। प्यार हमारा मर रहेगा याद करेगा जहां। सीमा और सचिन से घंटों की पूछताछ हुई और उस घंटों की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन अब आ चुके हैं हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सीमा, जब आप एटीएस के साथ थी बहुत सारे आरोप लगे कि अरे आपको लेकर कि आप जासूस हैं, पाकिस्तान से किसी मकसद से आई हैं, क्या कहना है उस पर? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी जांच चल रही है, अभी जो मेरी चीजों की मोबाइलों की चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवैध तरीके से तो आई है ना? ये मानती हूँ मेरा गुनाह है, मेरा गुनाह है कि बगैर वीजे, क्योंकि मुझे वीजा यहाँ का मिल नहीं रहा था। मजबूरी में मुझे इनकी मोहब्बत में कुछ भी नहीं दिखा, सही गलत नहीं दिखा, मैं आ गई, मानती हूँ मैंने गलती करी है। लेकिन इतने पासपोर्ट, इतने फोन, एक फोन टूटना और इतने फर्जी दस्तावेजों के साथ क्यों आई? अगर आना ही था तो कोई मुकम्मल चीजें लेकर आती हैं? मुकम्मल चीजें हैं मैम, तो ये चार से पांच पासपोर्ट के बाद, मेरे बच्चे तो चार है ना, इनके पासपोर्ट जहाज में चढ़ने के लिए इनके पासपोर्ट चाहिए थे, नेपाल आने के लिए इनके चार मेरे बच्चों के हैं, एक मेरा है, एक में मेरे नाम जो है उसमें नेपाली एम्बेसी ने वीजा नहीं दिया, हाँ उसको खारिज कर दिया, तो मैंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। लेकिन अगर डिपोर्ट किया गया आपको पाकिस्तान, तो क्योंकि आप फर्जी तरीके से आई, आप अवैध तरीके से आई है, आपको कहा जा रहा है कि दूसरा मुकदमा तो चले गए ना आप पर? बिल्कुल चले, मैं यहाँ जेल जाने को तैयार हूँ पर वापस जाने को तैयार नहीं। जिस तरह मुझे यहाँ का कानून रखेगा ना, जैसे अब मुझे कानून लागू की सीमा कहीं नहीं, पूरी जिंदगी इस घर में बिताऊंगी पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। एटीएस के सवाल क्या क्या रहे, क्या क्या सवाल पूछे गए, कुछ अगर आप जानकारी दे पाएं? जो हमारी शुरू से पूछताछ थी, हाँ। जो होती आई है वही पूछताछ हुई थी, हाँ। और अभी क्या आप लोग यही इसी घर में रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर आप लोगों ने रहने दिया तो। नहीं, आप रखने के लिए तैयार है इनको? जी मैम, यही शादी करेंगे हिंदू रीति रिवाज से? लेकिन शादी करेंगे कैसे, क्योंकि इनके पास में भारतीय नागरिकता तो है नहीं। तो जब नागरिक तो लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, लड़ाई तो हम नहीं लड़ सकते, खैर मैम, हाँ। हमारी खैर वो कोई गाना गाएंगे फिर से जैसे गाना से गा रहे थे अभी? नहीं, आप एक बार फिर से वही गाना आपका सब सुनना चाहते हैं कि कैसे आपने गाया राजा परदेसी एक बार? नहीं, नहीं, जब प्यार में नहीं कोई करे, आप पर आरोप लग रहे हैं लेकिन आपको कुछ कहना चाहें एक बार? मेरा आवाज अच्छा नहीं, पहले लोग जैसा गा रहे हैं, प्यार में कोई आपके सुर गीत नहीं होते हैं, जैसा गा रही है एक बार, एक बार सीमा जी एक बार कोशिश करती मैं। हाँ हाँ करिए, कोशिश करिए, सचिन जी आपका साथ देंगे, इतना साथ दिया, हाँ करिए कोशिश करिए। मैं कोई और गाना गाऊंगी, थोड़ा सा बोल दूंगी, गालू, हाँ अच्छा गाना आप गा दीजिएगा। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की है आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं हमारी शादी, रजिस्टर होती तो हम इतना भाग। तो वहाँ शादी की कैसे, आप लोगों ने गले में माला डाली हुई, फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है, इन्होंने मेरी मांग मांगी मंगलसूत्र पहनाया जिसे होती है, और हमें इतनी मालूमात नहीं थी, ये भी इनको भी नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल थी। चलिए ठीक है, खत्म होने वाला, एक गाना गुनगुना दीजिए, बस एक गाना गुनगुना दे, देखिए आप तो ये भी कह रहे हैं गुनगुना दीजिए एक गाना, थोड़ा जी याद ही नहीं रहा, मैं कंफ्यूज हो गई, भूल गई। ऊर्जा काले गावा, ऊर्जा काले गावा, आपने इतना अच्छा गाया था, एक रुक जाएगा, हाँ दूसरा गाऊंगी, हाँ हाँ गाइए गाइए, थोड़ा मुझे माइक में मुझे दे दीजिए, हाँ गाइए, हाँ 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 हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ, हाँ हाँ जान जाए लेकिन भारत रहेंगे, बिल्कुल